कारण यह पहला एक आता है फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम, वो है नोवा लेगेसी। और अगर आप यार बेशक नोवा के गेम जो है उसके फ़ैन हैं और एंड्रॉयड पे खेलना चाहते हैं, लेकिन नोवा जो गेम है एक्चुअली बहुत बड़ा गेम है, लेकिन आप चाहते हैं कि लो साइज्ड गेम हो क्योंकि आपका जो फ़ोन है वो एक मीडियम स्पेक फ़ोन है, तो ऐसे में आप जा सकते हैं नोवा लेगेसी के साथ, जो कि आपको 29 MB में बिल्कुल नोवा के गेम जैसा फील देने वाला है। और यहाँ पर मतलब बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक फीलिंग आती है खेलने में गेम को, और यहाँ पर आप बिल्कुल गेम प्ले में भी देख सकते हैं कि वो गेम जो है आपको फ़ोन में चलने में कैसा लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ जो दूसरा गेम है आपको जो फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम में मिलता है वो है गन्स बूम, जिसका साइज़ है 60 MB का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको 60 MB डाउनलोड करने के बाद जब गेम को चलाएंगे तो एडिशनली 300 MB जो है ये दोबारा डाउनलोड करता है। लेकिन यार वो 300 MB यार यहाँ पर वसूल भी हो जाती है, क्योंकि यार इसका गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे पर्सनली इस पूरी लिस्ट में फेवरेट लगा अब तक का, मतलब फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम इसमें एंड्रॉयड में मेरा एक्सपीरियंस इसी गेम के साथ बहुत अच्छा रहा है। और डेफिनेटली यार इसमें जो बात कुछ ऐसी है कि जो गेम है ना उसके गेम प्ले के टाइम पर जो कलर्स जो होते हैं ना यहाँ पर जहाँ पर भी हम जाते हैं मैप्स में, सभी मतलब कलर्स वगैरह जो बिल्डिंग्स में हैं उन सभी कलर्स को जो ओवरऑल गेम प्ले में कलर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, ब्राइट कलर, जिससे कि ऐसा लगता है कि आप ना किसी और ही दुनिया में, ना फ्यूचरिस्टिक ही लगती है और ना ही यहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रेजेंट वर्ल्ड में कुछ अलग ही बढ़िया सी दुनिया में पहुँच जाते हैं, कलरफुल दुनिया में, जैसे कि आप इस वक्त गेम प्ले में देख रहे हैं। और यहाँ पर से आप एक तरीके से आइडिया भी ले सकते हैं कि गेम है वो आपको कैसा दिखने वाला है, कैसा लगने वाला है गेम। और ये जो गेम है वो चलने वाला है ऑनलाइन, यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम, तो यहाँ पर आप इसे खेल सकते हैं अगर आप ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स के शौकीन हैं तो। और फ्रेंड्स इस लिस्ट में जो तीसरा फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम आता है उसका नाम है कुबूम, और इसका साइज़ जो है आपको वो मिलता है 47 MB का। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 47 MB तो मतलब 47 MB, क्योंकि यहाँ आपको गेम इंस्टॉल करने के बाद प्ले करने के लिए एडिशनल डेटा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर यार जस्टिफाइड तरीका है ये, मतलब जस्टिफाइड तरीका नहीं, यहाँ पर 47 MB में मतलब ये गेम अपने आपको एकदम बढ़िया तरीके से जस्टिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पर जो गेम का एक्सपीरियंस मिलता है 47 MB में वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया मिलता है। और यार मतलब नोवा लेगेसी के साथ इसे कंपेयर किया जाता है जो कि आपको 29 MB में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, तो यहाँ पर मतलब लगभग दुगना डेटा है इसका। लेकिन ये जो गेम है वो आपको ऑनलाइन मल्टीप्लेयर की सहूलियत देता है और आप इस गेम को सिर्फ ऑनलाइन ही खेल सकते हैं, तो यार अगर आपको ऑनलाइन गेम के शौकीन हैं तो इसके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफलाइन खेलने का यहाँ पर कोई मोड नहीं है, यहाँ कोई स्टोरी मोड नहीं है जैसा कि आपको नोवा लेगेसी में देखने को मिलता है या फिर आपको देखने को मिलता है गन्स बूम में। तो अगर आप हल्का फुल्का गेम चाहते हैं जो कि ऑनलाइन मल्टीप्लेयर के साथ चले तो इसके साथ आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बाकी के जो दो गेम्स बचे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा रिजेंबल करते हैं काउंटर स्ट्राइक सीरीज से गेम के जो कि आप पीसी में खेलते हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अगर चाहते हैं फील काउंटर स्ट्राइक गेम को खेलने का तो डेफिनेटली आप इन दोनों गेम्स को ट्राई करिएगा। और यहाँ जो पहला गेम जो कि आपको 41 MB मिलता है काउंटर स्ट्राइक की फील देने के साथ साथ, तो वो गेम है काउंटर टेररिस्ट 2, और नाम में भी मतलब हल्का हल्का चीटिंग कर ली है। काउंटर टेररिस्ट 2 जो गेम है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, फिलहाल जो गेम प्ले है वो इसी गेम का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है, यहाँ पर जो है नाइफ वगैरह जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं, ग्लव्स वगैरह इस तरीके से, तो यहाँ पर जो मैप्स वगैरह वो भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको 41 MB में ग्राफिक क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए थी, और बाकी यार शेडोज़ वगैरह को भी मिस कर रहे हैं इस गेम में। लेकिन स्मूथ गेम प्ले के लिए आप जो अगर अपने हल्के फुल्के स्मार्टफोन में हल्का फुल्का गेम काउंटर स्ट्राइक के फील के साथ लेना चाहते हैं तो इस गेम के साथ आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ जो लास्ट गेम बचता है फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम का इस लिस्ट में, तो वो उसका नाम है हमारे पास ओवरकिल स्ट्राइक। तो इस गेम का साइज ना हुआ था मात्र 60 MB, और 60 MB का मतलब 60 MB ही है, यानी कि ये जो गेम है आपको 60 MB में डाउनलोड करके प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर एडिशनल डेटा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर गेम प्ले देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ग्राफिक्स हैं काउंटर स्ट्राइक के फील के साथ, तो यहाँ पर जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर गन्स वगैरह पर शाइन वगैरह भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है, शेडोज़ भी देखने को मिलती हैं, हालाँकि ये शेडोज़ जो हैं वो फेक हैं, यानी ये रियल शेडोज़ नहीं है, लेकिन एक तरह से मतलब आपको अच्छा गुड लुकिंग फील देते हैं यहाँ पर। और मतलब क्या इस फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग आपको देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको ऑफलाइन गेमिंग ही मिलती है। लेकिन मतलब यार ऑब्वियसली इसे खेलने में बहुत मज़ा आया था मुझे, यानी कि यहाँ जो गेम था जो कि जिसका नाम था गन्स बूम, उसके बाद जो है सेकेंड गेम जो है वो मुझे यही पर्सनली पसंद आया है, और मतलब आप ही इसके साथ जा सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा गेम है ये।
फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया। अगर आप इसमें तो कोई एक गेम तो कम से कम यूज करने वाले होंगे, प्ले करने वाले, तो आप बेधड़क दीजिए कमेंट्स में, बताइएगा कि वो कौन सा गेम है जो आपको पसंद आया और आप उसे ट्राई करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को। मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार आप लोगों के लिए इस तरीके की टेक वीडियोस लेके आना क्वालिटी मेंटेन करके, तो यार थोड़ी तो लाज रखो यार, इतनी मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइबर्स गेन नहीं कर पा रहा हूँ यार। प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ यार लाल कलर के सब्सक्राइब बटन के बराबर में मिलेगा, बेल आइकन दबाना होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो आप डेफिनेटली यार, क्योंकि मैं आपके लिए डेली टेक वीडियोस और टेक रिलेटेड न्यूज़ लेके आता रहता हूँ, तो यार बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार और लाइक भी करा करो वीडियोस को अगर पसंद आती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ज़बरदस्ती लाइक किया करो, पसंद आए तो यार लाइक किया करो, साथ ही यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को भी दबा लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।